अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। और नए आने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद, और उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुँचाएँ। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो एक इंतहाई एक संजीदा टॉपिक है। नाज़रीन, आज की दुनिया में हर वालदैन की ये ख्वाहिश है कि उनका बच्चा या डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, या आर्मी ऑफिसर बने, या किसी बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक बने। जिस माशरे में कोई उस्ताद ना बनना चाहे, वहाँ बज़ाहिर पढ़े लिखे लोग लेकिन हकीकतन जाहिल लोग राज करते हैं। 1960 की दिहाई में सदर अयूब खान ने मलका बरतानिया को पाकिस्तान दौरे की दावत दी, और इस दौरे के दौरान मलका बरतानिया और उनके शौहर को कूल एबटाबाद में ले गए। मलका तो अयूब खान के साथ बच्चों से हाथ मिलाती आगे बढ़ गई, लेकिन उनके शौहर बच्चों से बातें करते रहे, और दौरान गुफ्तगू उन्होंने बच्चों से पूछा कि बेटा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? उनमें से बहुत से बच्चों ने जवाब दिया कि वो बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहेंगे, किसी ने कहा कि वो इंजीनियर बनना चाहेगा, और किसी ने कहा कि वो आर्मी ऑफिसर या पायलट बनना चाहेगा। वो कुछ खामोश सा हो गए। फिर लंच पर अयूब खान से कहा कि आपको अपने मुल्क के मुस्तकबिल का कुछ सोचना चाहिए। मैंने 20 बच्चों से बात की और उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो बड़े होकर टीचर बनना चाहता है, और ये एक बहुत खतरनाक बात है। अयूब खान सिर्फ मुस्कुरा दिए और कुछ जवाब ना दे सके, और ये हमारे लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है। तारीख की किताबों में लिखा है कि जब हिंदुस्तान की अंग्रेज हुकूमत ने हजरत अल्लामा इकबाल को सर का खिताब देने का इरादा किया, तो इकबाल रहमतुल्ला अलैह को वक्त के गवर्नर ने अपने दफ्तर आने की दावत दी। इकबाल रहमतुल्ला अलैह ने यह खिताब लेने से इनकार कर दिया, जिस पर अंग्रेज गवर्नर बेहद परेशान हुआ और इसकी वजह दरियाफ्त की, तो इकबाल रहमतुल्ला अलैह ने फरमाया, मैं सिर्फ एक सूरत में यह खिताब वसूल कर सकता हूँ कि पहले मेरे उस्ताद मौलवी मीर हसन रहमतुल्ला अलैह को शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाए। ये सुनकर अंग्रेज गवर्नर ने कहा, डॉक्टर साहब, आपको तो सर का खिताब इसलिए दिया जा रहा है कि आप एक बहुत बड़े शायर हैं, आपने किताबें तख्लीक की हैं, बड़े बड़े मकालात तख्लीक किए हैं और बड़े बड़े नजरियात के खालिक हैं, लेकिन आपके उस्ताद मौलवी मीर हसन साहब ने क्या तख्लीक किया है? ये सुनकर हजरत अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया कि मौलवी मीर हसन ने इकबाल तख्लीक किया है। ये सुनकर अंग्रेज गवर्नर ने हजरत अल्लामा इकबाल की बात मान ली और उनके कहने पर मौलवी मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब देने का फैसला कर लिया। इस पर मुतजाद अल्लामा साहब ने मजीद कहा कि मेरे उस्ताद मौलवी मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब देने के लिए यहाँ सरकारी दफ्तर में ना बुलाया जाए, उनको ये खिताब देने के लिए एक सरकारी तकरीब को सियालकोट में ही मुनक्किद किया। मौलवी मीर हसन को आज कोई भी ना जानता अगर अल्लामा इकबाल के उस्ताद ना होते, लेकिन आज वो शम्सुल उलमा मौलवी मीर हसन के नाम से जाने जाते हैं। अलगर्ज उस्ताद का मकाम और अजमत हर शय से बुलंद है। मेरी आज की ये वीडियो मेरे उन तमाम असातिज़ा के नाम जिन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया, मेरे मुस्ताद, मेरे मुअल्लिम, मेरे मुरब्बी, मेरे मुदर्रिस, तमाम असातिज़ा कराम के नाम।